आज की जो रेसिपी है हम वो फार्म के किचन में नहीं कर रहे, आज की रेसिपी हम, ये मेरे पेरेंट्स का घर है, उनकी किचन में कर रहे हैं। उनका घर बिल्कुल हमारे फार्म से लगा हुआ है, तो हमने कहा क्यों ना चेंज ऑफ सीनरी के लिए, चेंज ऑफ सेटअप के लिए हम इनकी किचन इस्तेमाल करें। रेसिपी शुरू करने से पहले चलिए मैं आपको अपने बारे में एक सीक्रेट बताती हूँ। हम सबके अंदर दो पर्सनालिटीज़ होती हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, पर हम या तो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं या तो ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपने आप में रहकर रिचार्ज हो जाते हैं, और एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो लोगों के साथ रहकर रिचार्ज होते हैं। तो चलिए वापस रेसिपी पे चलते हैं। ओट्स से दही बनाने के लिए आप कोई भी इंस्टेंट ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बाज़ार में मिलते हैं। आज की रेसिपी के लिए मैं लगभग 2 कप जो ओट्स हैं उसका इस्तेमाल करूँगी, और उनको हम भिगोकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। अब भीगे हुए ओट्स को हम साफ पानी से अच्छी तरह से 2-3 बारी धो लेंगे, और धोना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो ओट्स की स्टिकीनेस होती है वो पानी के साथ निकल जाए। भीगे हुए ओट्स को हम मिक्सी में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। जैसे कोई भी प्लांट बेस्ड मिल्क से दूध बनता है, ठीक उसी तरह से हम ओट्स से भी दूध बनाएंगे। 2 कप ओट्स में हम लगभग 1/2 लीटर पानी डालेंगे। चलिए मैं आपको अपने बारे में दूसरा राज बताती हूँ। लोगों को लगता है क्योंकि मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ मुझे हमेशा खाना बनाने का शौक रहा होगा, पर ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मुझे खाना सच में बनाना आता ही नहीं था। मुझे उससे पहले घर में सफाई करने का बहुत शौक होता था, और साथ ही साथ मुझे पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी, तो मेरे घर वालों ने मुझे कभी फोर्स ही नहीं किया कि मैं खाना बनाना सीखूँ। मेरे नाना जी मुझे कहते थे कि जब तेरी शादी होगी तो तेरे दहेज में हम एक कुक भेजेंगे। अब ये स्मूथ हो चुका है दूध, अब हम इसे एक साफ कपड़े की मदद से छान लेंगे। कपड़ा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मैंने जैसे रेसिपी के शुरुआत में बताया था कि ओट्स में काफ़ी फाइबर होता है, तो कपड़े से वो फाइबर पूरा छन जाता है। पर अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है फाइबर आपके दूध में आए तो आप छन्नी से भी छान सकते हैं। जब हम ओट्स से दूध बनाते हैं तो वो नेचुरली स्टिकी होता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका दूध खराब हो गया है। ये हो गया ओट का दूध तैयार। तो चलिए मैं आपको अपने बारे में एक और सीक्रेट बताती हूँ। पिछले पता नहीं कितने सालों से मैं हर रोज़ अपना जो नाश्ता है वो फ्रूट्स, मूसली और पीनट बटर का करती हूँ। तो जो लोग मेरे करीबी हैं उन्हें तो ये बात पता होगी, पर काफ़ी लोग जब मुझे यहाँ फार्म पे नोटिस करते हैं सेम नाश्ता करते हुए हर रोज़, वो एक बार ही तो सरप्राइज हो जाते हैं। दूध को अब हम हल्की आंच पर गर्म कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिए कि हम दूध उबालेंगे नहीं, सिर्फ तेज़ गर्म करेंगे। अब जैसे दही को खट्टा लगाते हैं ठीक वैसे ही हम ओट मिल्क में खट्टा लगाएंगे। अब दही को ढककर हम 1 से 2 दिन के लिए गर्म जगह पर रख देंगे। ये बात रॉबिन ने आपसे कभी शेयर नहीं की होगी, पर उनके और मेरे रिश्ते की एक दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करती हूँ, पर उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा ताकि ये दही अच्छी तरह से जम जाए। दही को जमने के लिए 1 से 2 दिन लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप जहाँ पर दही जमा रहे हैं वहाँ पर मौसम कैसा है। तो हमारी दही जमने में भी लगभग 2 दिन लग गए क्योंकि बीच में यहाँ बरसात हुई थी। तो चलिए देखते हैं दही जमी कैसी है। आप अपनी पसंद के हिसाब से रायते को पतला कर सकते हैं। मुझे पतला रायता खाना पसंद है इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी डाला है। आप अपने पसंद के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बाकी मसाले डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, उसके बाद भुना हुआ जीरा जिसको मैंने पीस लिया है, फिर हम डाल रहे हैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, पर अगर आपको रायता तीखा पसंद नहीं है तो आप ये रहने भी दे सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो कोई भी रायता कंप्लीट नहीं होता बिना धनिए के। पर मैं भूली नहीं हूँ कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक और अपना सीक्रेट बताऊंगी, और वो सीक्रेट है कि मैं रॉबिन से उम्र में बड़ी हूँ। तो मैंने आपको अपना सीक्रेट तो बता दिया, पर अगर आपका कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपको रायते में पसंद हो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा।